हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लैंग्वेज प्रोसेसर के बारे में सीखने जा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। लैंग्वेज प्रोसेसर क्या है? कंप्यूटर केवल मशीनी भाषा, मशीनी लैंग्वेज समझता है जो कि दो अंक 0 और 1 पर आधारित होती है, लेकिन प्रोग्रामर मशीनी भाषा में प्रोग्राम लिखने में असमर्थ होता है। स्रोत भाषा में लिखे ये प्रोग्राम कंप्यूटर के लिए मशीनी भाषा में परिवर्तित किए जाते हैं। ये भाषा प्रोसेसर, लैंग्वेज प्रोसेसर, उच्च स्तरीय भाषा को मशीनी भाषा में और मशीनी भाषा को उच्च स्तरीय भाषा में अनुवाद करते हैं। मशीनी भाषा की तुलना में उच्च स्तरीय भाषा में प्रोग्राम लिखना सरल होता है। 3 प्रकार के भाषा प्रोसेसर, लैंग्वेज प्रोसेसर हैं। पहला, असेंबलर, अनुवादक। वह प्रोग्राम जो कि असेंबली भाषा के प्रोग्रामों का अनुवाद मशीनी भाषा में करता है, अनुवादक कहलाता है। दूसरा, इंटरप्रेटर। वह प्रोग्राम जो उच्च स्तरीय भाषा में लिखे प्रोग्राम का अनुवाद मशीनी भाषा में करता है, इंटरप्रेटर कहलाता है। यह एक के बाद एक लाइन का अनुवाद करता है, इसके लिए प्रत्येक वाक्य में होने वाली त्रुटियों को मॉनिटर पर एक के बाद एक करके दिखाता है। यहाँ पर त्रुटियों को दिखाना और उन्हें दूर करना बहुत आसान होता है। कई बार तो हम गलती का तभी पता लगता है लगा लेते हैं जब हम कंप्यूटर पर निर्देश टाइप करते हैं। तीसरा, कंपाइलर। यह उच्च स्तरीय भाषा को मशीनी भाषा में परिवर्तित करता है। जब प्रोग्राम पूर्ण रूप से कंप्यूटर में डाल दिए जाते हैं, तब यह पूरे प्रोग्राम को एक ही बार में अनुवाद कर देता है। इससे शीघ्रता से पूरा प्रोग्राम मशीनी भाषा में अनुवादित हो जाता है और यदि इसमें कोई त्रुटि है, वे एक ही समय में स्क्रीन पर प्रकट हो जाती है। जब सभी त्रुटियां दूर कर दी जाती हैं, तो उस प्रोग्राम को फिर से अनुवादित किया जाता है। धन्यवाद।